देखिए 2014 और 2019 में ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का वही हाल हुआ जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी का हुआ था। पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड एग्रीज टू सरेंडर ऑल पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इन बांग्लादेश। तो 2024 के इलेक्शन चैलेंज को जीतने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज ने एक नया गठबंधन निकाला है मार्केट में, इंडिया अलायंस। 28 ऑपोजिशन पार्टीज हैड कम टुगेदर अर्लियर दिस ईयर टू फॉर्म द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इज लाइकली टू बी अपॉइंटेड एज कन्वीनर ऑफ द इंडी ब्लॉक। हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। गोल ये है कि कई पार्टीज का ये अलायंस साथ में मिलकर ताकतवर हो और बीजेपी को 2024 में हरा सके। लेकिन अफसोस, शुरू होने के साथ साथ ही इलेक्शन के ऑलमोस्ट 3 महीने पहले इस अलायंस के हालात ठीक नहीं लग रहे। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार स्विच टू फॉर्म एन अलायंस विद द बीजेपी एंड फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। Bhagwant Mann has already said today in a press conference, no alliance with the Congress party. Mamata Banerjee said TMC would contest the 2024 general elections without any political alliance. Samajwadi party is not following the alliance. कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। ये देख के कसम से मुन्ना भाई MBBS का एक सीन याद आ जाता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। लेकिन ये हुआ क्यों? क्यों ऑलरेडी इंडी अलायंस में दरारें आ रही हैं? और इंडी अलायंस के 2024 इलेक्शंस में सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पढ़ाओ। तो देखिए पहले समझते हैं कि ये गठबंधन क्यों बनाया गया। देखिए सिंपल सी बात है, पिछले 10 सालों में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है। लोगों को लगा कि 2019 में 2014 के मुकाबले में बहुत एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, लेकिन 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 38% था और पूरे एनडीए गठबंधन का 45% रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी के बजाय ऑलमोस्ट प्रो इनकम्बेंसी हो गई। 2014 से भी ज्यादा सीटें आई 2019 में बीजेपी को। ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक बड़ा रीजन तो ये है कि एक तरफ एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनका पॉलिटिकल IQ MTV के कंटेस्टेंट के बराबर है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। विश्व रया। Clean Your Country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? You see it working? Okay. और दूसरी तरफ है मोदी। 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ ही रही है। वो इस समय पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर हैं। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable visionary. Indian Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world as per the US-based consultancy firm Morning Consult. इसका मतलब मोदी जी को सिर्फ मेलोनी ही नहीं बल्कि पूरा भारत भी प्यार करता है। और आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ने कई समस्याओं को फेस किया है, चाहे महंगाई की प्रॉब्लम हो, डीमोनेटाइजेशन हो, CAA के प्रोटेस्ट हो, COVID-19 की महामारी हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, पाकिस्तान का आतंकवाद हो या चाइना का अग्रेशन हो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बावजूद इंडिया टुडे के एक सर्वे के मुताबिक 72% लोगों का ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है। इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल तो ये भी कहता है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो एनडीए की कोएलिशन को 285 से 325 लोकसभा सीट्स मिलने वाली हैं, यानी वो तीसरी बार एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में आने वाले हैं। तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल वनवास है वो श्रीराम के वनवास से भी लंबा होने वाला है। अब देखिए राहुल गांधी और श्रीराम में ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और दोनों के वनवास में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा तो कि श्रीराम का जो वनवास है वो वॉलंटरी था। जनता बहुत चाहती थी कि वो राजा बने, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो अपने पिता का आदेश मानेंगे, अपनी मर्जी से राजगद्दी छोड़ी
और वनवास चले गए। राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल वनवास है वो इनवॉलंटरी है। बेचारे बहुत चाहते हैं राजगद्दी पर बैठना, लेकिन जनता बैठने ही नहीं देती। तो बीजेपी की इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसा लगता है कि अगर वो साथ में मिल जाएं, तो उनके जो अलग अलग वोट्स हैं वो भी कंसोलिडेट हो जाएंगे और इनको कंसोलिडेट करके बीजेपी को हराया जा सकता है। बेंगलोर में इस अलायंस की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने सारे पार्टीज के वोट्स को जोड़ा और कहा कि वो मिलाकर उनका अराउंड 38% वोट शेयर है, जो कि बीजेपी के बराबर है। और इसलिए ये अलायंस बनाई गई है जिसमें अराउंड 28 पार्टीज हैं, जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, बंगाल की टीएमसी, जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड की जेएमएम, बिहार की आरजेडी, यूपी की समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा। अब तक गठबंधन की 4 मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इन मीटिंग्स के दौरान काफी बातें की जा रही थी कि बीजेपी को इस बार कड़ाके की टक्कर मिलने वाली है। विजिबल्स आर कमिंग इन, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह बीइंग वेलकम्ड देयर बाय मिस्टर सिद्धरमैया एंड द डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार, यू हैव केसी वेणुगोपाल एज़ वेल देयर। दक्षिण के दुर्ग कर्नाटक के बेंगलुरु में देखने को मिली, जहां विपक्ष की 26 पार्टी एक मंच पर साथ नजर आई। ऑपोजिशन ब्लॉक मेट इन न्यू दिल्ली फॉर द फोर्थ टाइम। टॉप लीडर्स डिस्कस देयर स्ट्रेटजी टू डिफीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के गठबंधन को सक्सेसफुल बनाना ऑन पेपर काफी आसान लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैसा ही कि जब आपको लग रहा था कि भाई बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी इन्वेस्टर बन जाता हूँ, मैं भी वॉरेन बफेट बन जाता हूँ, और आपने सोचा कि चलिए भाई नए क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया जाए। अब आइडिया ऑन पेपर तो बढ़िया था, लेकिन फिर 2 महीने के बाद आपने अपने पिताजी के 5 लाख रुपए भी डुबा दिए मंकी कॉइन नाम के किसी फालतू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। पिताजी ने लात मार के घर से बाहर भी निकाल दिया और वॉरेन बफेट की जगह आप पेटीकोट बाबा बन गए। उसी की तरह इस गठबंधन को भी सक्सेसफुल बनाना और जोड़कर रखना रियलिटी में काफी मुश्किल है। देखिए, बेसिकली जैसे ही ये गठबंधन बनी, वैसे ही इस गठबंधन में दरारें भी आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो गई। इनिशियली जब इंडिया अलायंस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस किया था एज अ पोटेंशियल पीएम फेस या कैंडिडेट, तो उसको ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया था और केजरीवाल जी ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन इस बात से लालू और नीतीश नाराज हो गए। वो तो इतने नाराज हो गए कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से भी जल्दी निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं अपीयर हुए। नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। बात ये थी कि नीतीश जी खुद बनना चाहते थे इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर के फेस, आरजेडी भी उनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट करना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नीतीश और लालू यादव इतने पुराने दुश्मन हैं, लालू यादव नीतीश को क्यों सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, लालू यादव जी लंबा सोचते हैं, लालू यादव जी बहुत टैलेंटेड आदमी है। एक डेकेड के अंदर अंदर एक स्टेट को पूरी तरह से डुबा देना, बैंकक्रप्ट कर देना, उस स्टेट के नाम को बेसिकली एक गाली बना देना, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। देखिए, लालू जी को पता था कि अगर नीतीश कुमार जी सेंटर में चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बिहार की जो राजगद्दी है वो तो उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल खुली बैठी हुई है। अब कांग्रेस के खड़गे जी ने इस अलायंस को जोड़ने की बहुत कोशिश की कि भैया पहले जीत लेते हैं, उसके बाद लड़ाई करेंगे कि भाई कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। बेसिकली वो कह रहे थे कि पहले गांव बसा लेने दो, उसके बाद भिखारी लोग आना। उसके ऊपर से ये अलायंस जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का प्रोपेगेंडा पुश करती है, उसके अंदर खुद नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है। नीतीश जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में एक समय पर जब हिंदी में स्पीच दे रहे थे तो डीएमके के टीआर बालू ने कहा कि यार इसको इंग्लिश में बोलो। नीतीश जी इस बात पर चिढ़ गए, उन्होंने बोला कि यार हिंदी राष्ट्रभाषा है, सीख लो तुम। टीआर बालू के लिए एकदम उड़ता तीर मोमेंट हो गया ये तो। और अगर इंटरनल इतना कलेश हो ही रहा है तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं। जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में इनवाइट किया जा रहा था, उस बात से अखिलेश यादव बिल्कुल खुश नहीं थे। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को इतना बोल दिया कि आप या तो ममता बनर्जी को चूज कीजिए या हमें चूज कीजिए। द समाजवादी पार्टी चीफ सर्वड एन अल्टीमेटम आस्किंग कांग्रेस टू चूज आइदर हिम और मायावती। देखिए, इनका गठबंधन चलने वाला इन लोगों का नहीं, ये आपस में लाठी चलाएंगे, देखते रहिएगा। जस जस चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे इनकी दूरियां भी बढ़ती जाएंगी। ममता जी के प्लान्स भी जो थे वो अखिलेश यादव के गले नहीं उतर रहे थे। टीएमसी हैज नाउ पुट फॉरवर्ड द नेम ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टरियल फेस इफ एट ऑल द कांग्रेस वाजंट इंटरेस्टेड इन द पोस्ट। अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि भैया यूपी में इंडिया अलायंस की जो भी स्ट्रेटजी होगी वो अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे और किसी के पास डिसाइड करने का हक नहीं। और इतना काफी नहीं था तो इस मैदान में फिर केजरीवाल भी कूद पड़े। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस के साथ टाई अप से भी मना कर दिया। लास्ट ईयर सितंबर में कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खेरा को ड्रग ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट किया गया था। इसका ब्लेम भी पंजाब की कांग्रेस पंजाब के आम आदमी पार्टी पर डाल रही है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सारे क्लेम्स को बेबुनियाद बताया और कांग्रेस को ही अटैक करना शुरू कर दिया। प्रकाश अंबेडकर, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के ग्रैंडसन हैं, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। बेसिकली आप ये अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी
है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उसे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन गठबंधन अच्छी हालत में नहीं है और अब तो ममता दीदी भी कांग्रेस पर ताने मार रही हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। यार ये अपना अलायंस तो जोड़ के रख नहीं सकते, इंडिया को जोड़ने की बातें करते रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहते हैं। और अगर ये सारा कलेश काफी नहीं था तो सबसे बड़ा विश्वासघात तो तब हुआ जब नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार के एनडीए को ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के साथ गठबंधन बना लिया लग रहा है। भैया नीतीश कुमार भी कमाल के आदमी है, ये दुनिया का इकलौता आदमी है जिसने स्टेट में इलेक्शन 5 बार लड़ा है लेकिन मुख्यमंत्री 9 बार बना है। कुछ लोग नीतीश कुमार पे जोक मार रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो चीफ मिनिस्टर रहते समय चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करते हैं ताकि वो चीफ मिनिस्टर बने रह सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी इंडिया अलायंस की बुरी हालत के लिए पूरा का पूरा ब्लेम कांग्रेस के ऊपर डाल दिया। देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है, थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए। इस भसड़ को ये लोग अलायंस बोल रहे हैं। भैया ये अलायंस उसी तरह है जिस तरह से मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर विनर है। आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? Wow, what a beautiful garden, auntie. Prem is very excited about things. No worries, uncle. No worries. तो देखिए इंडिया अलायंस इतना स्ट्रगल इसलिए कर रही है क्योंकि इस अलायंस के सामने कुछ बहुत क्लियर चैलेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल पहला बड़ा चैलेंज ये है कि इस अलायंस में बहुत सारे ईगो क्लैशेस हैं। कई पॉलिटिशियंस इस अलायंस में ऐसे हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है सीट शेयरिंग कि भैया स्टेट लेवल पे तो आप अलग अलग लड़ रहे हो, नेशनल लेवल पे कैसे करोगे सीट शेयरिंग। अगर आप हिमाचल को देखें, हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, कांग्रेस किसके लिए सीट छोड़ेगी। राजस्थान के साथ भी सेम हालत है, कांग्रेस क्यों छोड़ेगी दूसरे पार्टीज के लिए सीटें। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ेगी कांग्रेस के लिए सीटें। हरियाणा में अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है, उत्तराखंड में अलायंस का कोई मतलब ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव किसी और के लिए सीट नहीं छोड़ना चाहते। ये देखिए कांग्रेस के कमलनाथ क्या कह रहे हैं। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। बिहार में तो नीतीश कुमार अब लग रहा है एनडीए में आ गए, अब वो अगले साल ही बीजेपी को धोखा देंगे, इस साल तो एनडीए के साथ ही रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जीतना लगभग पक्का है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे होंगी सीट शेयरिंग। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच का मुकाबला है, मध्य प्रदेश में क्यों छोड़ेंगी कांग्रेस दूसरे के लिए सीटें। महाराष्ट्र में कैसे होगी सीट शेयरिंग, कैसे डिसाइड करेगा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ये बात। तेलंगाना में तो कांग्रेस ही केसीआर का पूरा वोट शेयर खा गई, कर्नाटका में कैसे होगी सीट शेयरिंग, और मोर इम्पोर्टेंटली तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में डीएमके क्या छोड़ेगी किसी के लिए सीटें। केरला में क्या कम्युनिस्ट जो है वो कांग्रेस के लिए सीटें छोड़ेंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच में जानी दुश्मनी है, क्या छोड़ेगी तृणमूल कांग्रेस बाकी पार्टीज के लिए सीटें। तो अभी सीट शेयरिंग के मामले को लेकर ही इंडिया अलायंस ऑलरेडी कोलैप्स कर रही है। एक और बड़ा मुद्दा है जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया अलायंस के सामने, और वो है कि इंडिया अलायंस के पास कोई क्लियर पॉलिसी प्लान नहीं है, क्लियर मुद्दे नहीं है जो कि बीजेपी के पास है। इंडिया अलायंस चिल्लाती रहती है कि भाई हमारी पॉलिसी है, हमारा इलेक्शन प्लान है कि हमको बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना है। भाई ये कोई पॉलिसी प्लान थोड़ी हुआ। आप बीजेपी का प्लान देखिए, बीजेपी बहुत क्लियर पैरामीटर्स पर इलेक्शन लड़ रही है। पहला पैरामीटर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कोलिशन पॉलिटिक्स में हमने देखा है इस देश में कभी कोई काम ही नहीं हो पाता, कोई लॉ ही पास नहीं हो पाता, हमेशा सारी कोलिशन पार्टियां साथ में ही लड़ती रहती हैं। बीजेपी जब से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आई है तब से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है देश में, काम तेजी से हो रहा है और जनता को भी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पसंद है। दूसरा पैरामीटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इंडिया के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया अब एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। Something has fundamentally changed. The India that I first got to know 20 years ago it's begun to vanish. That India is being replaced by a new, extraordinarily dynamic India. India is leading now with 8% growth and is the fastest growing economy in the world. And I think through its G20 presidency, it also has shown other countries can learn from India and especially emerging economies and developing countries. Most unprecedented transformation in the history of the free world
is what India is going through today. तीसरा पैरामीटर है इंफ्रास्ट्रक्चर. रिकॉर्ड स्पीड से इंडिया में रोड्स और ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन हो रही है. 500 मिलियन टॉयलेट्स बनवाए गए हैं देश में. 99% टॉयलेट कवरेज हुई है देश में. इंटरनेट कनेक्शन और पानी का कनेक्शन भी देश में बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है. चौथा पैरामीटर है सोशल इंक्लूजन. जैम ट्रिनिटी का इस्तेमाल करके क्लियर टारगेटेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि जो पिछड़े हुए सेक्शंस हैं हमारे देश के उनको भी देश की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है. उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनवाए जा रहे हैं गरीबों के लिए. उज्ज्वला योजना में फ्री कुकिंग गैस कनेक्शंस दिए जा रहे हैं. जनधन योजना में 400 मिलियन से ज्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए हैं. मुद्रा योजना में स्मॉल बिजनेसेस को माइक्रो फाइनेंस लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. स्वच्छ भारत मिशन में इंडिया में सैनिटेशन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया जा रहा है. आयुष्मान भारत स्कीम में 500 मिलियन से ज्यादा सिटीजंस को हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. डिजिटल इंडिया कैंपेन में आप देखिए कितने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से डिजिटल पेमेंट्स ने इंडिया में किस तरह से खरीद फरोख्त होती है, किस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया है. जिस समय पर इंडिया अलायंस नॉर्थ वर्सेस साउथ पॉलिटिक्स खेल रही है, अपीजमेंट पॉलिटिक्स खेल रही है, कास्ट में भारत को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स खेल रही है, उस समय पर बीजेपी की कोशिश है कि हिंदुत्व के बैनर में पूरे देश को जोड़ा जाए. आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया जिसको पूरे देश ने सपोर्ट किया. राम मंदिर बनवाया गया जिसको पूरे देश ने सपोर्ट किया. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया गया. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया. आगे काशी और मथुरा को भी पूरा रिक्लेम किया जाएगा. पीओके को वापस भारत में जोड़ने की बातें हो रही है जिसको पूरा देश सपोर्ट कर रहा है. अगला बीजेपी का पैरामीटर है नेशनल सिक्योरिटी. टेरर अटैक्स भी 2014 के कंपैरिजन में बहुत कम हुए हैं. आजकल भारत अटैक होने के बाद बैठा नहीं रहता, घर में घुस के मारता है. पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चाइना को भी टिट फॉर टैट दिया है इंडिया ने. इंडिया के मोस्ट वांटेड लिस्ट पे जो आतंकवादी हैं उनको अननोन गनमैन लाइन से निपटा रहे हैं और इंडिया की दुनिया में रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है. तो इतने क्लियर पैरामीटर्स पर बीजेपी लड़ रही है, जिन सारे पैरामीटर्स पर बीजेपी को इलेक्टोरल सक्सेस मिलता रहा है, और इन पैरामीटर्स के कंपैरिजन में आप देखिए इंडिया अलायंस के पास क्या है अल्टरनेटिव्स. हर तरफ से अगर आप पॉलिसी वाइज देखें तो बीजेपी ने इंडिया अलायंस को पीछे छोड़ा हुआ है. मैं तो कहता हूं कि राहुल बाबा को आलू सोना की मशीन बनाने के बजाय ढंग की पॉलिसी बनाने की मशीन ईजाद करनी चाहिए थी. देखिए एट द एंड ऑफ द डे इंडिया अलायंस टूट इसलिए रही है क्योंकि इनमें जो पॉलिटिशियंस हैं उन सबका बड़ा बड़ा ईगो है. सब एक दूसरे को नापसंद करते हैं, सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए इस समय पर जुड़े हुए हैं. पब्लिक को भी पता है कि इलेक्शन खत्म होते ही इनमें फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी. दूसरा, इनके पास कोई सीरियस पॉलिसी रिकमेंडेशंस नहीं है. बस किसी तरह से साम दाम दंड भेद करके पावर में आना है, चाहे पावर में आने के लिए देश जला के खाक ही क्यों न करना पड़े. इनका गोल है कि पावर में आए, अमीर बने और देश पर राज करते रहे. तो भारत के लिए क्लियर चॉइस है कि इस तरह की टूटी फूटी अलायंस को सपोर्ट करना है जो इस समय देश को डिवाइड कर रही है, जिनके पास कोई पॉलिसी मेजर्स नहीं है क्लियर. और दूसरा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कि हिंदुत्व के बैनर में देश को यूनाइट भी कर रहे हैं और अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स के थ्रू भारत को इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग कर रहे हैं और भारत की रिस्पेक्ट भी दुनिया में बढ़ा रहे हैं. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से भारत के लिए बेहतर चॉइस कौन है, इंडिया अलायंस या प्राइम मिनिस्टर मोदी? आपका चॉइस नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं. बाकी गाइस, अगर आपने अभी तक शाम शर्मा शो के पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैंने हाल में ही आनंद रंगनाथन के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट किया है राम मंदिर पे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का रिव्यू करते हुए जर्नलिस्ट प्रदीप भंडारी के साथ भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अभी मैं रिलीज करने जा रहा हूं. तो अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पॉडकास्ट के लिंक पर क्लिक करें और उस पॉडकास्ट पर भी मुझे अपना फीडबैक दें. बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे. और आप सबको एक सेकंड.